नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 1 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का डेली अपडेट कार्यक्रम, जिसका पहला डेली अपडेट का शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। 1977 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा स्थापित और 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा समर्थित विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस पर्यावरणीय विचारों, पशु कल्याण और अधिकारों के मुद्दों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभों पर जोर देने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों को पशु उत्पादों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह दिन जानवरों को बचाने, जीवन बचाने और पृथ्वी को संरक्षित करने में मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। कॉफी बीन्स के किसानों की दुर्दशा की पहचान करने और सुगंधित पेय के लिए अपने प्यार का इजहार करने के इरादे से पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। पहली बार जापान में शुरू किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन दुनिया भर में कॉफी के उचित व्यापार को भी बढ़ावा देता है और बीन्स के उत्पादन के लिए किए जाने वाली मेहनत के लिए किसानों की सराहना करता है। लंदन में 1963 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने पहली बार 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस घोषित किया था। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। राष्ट्र को तमिलनाडु में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मिला। राज्य सरकार ने कहा कि देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना था, क्योंकि इससे समुद्री जीवों की रक्षा और सुधार में मदद मिलेगी। पाक खाड़ी में रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार डुगोंग सबसे बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं, जो मुख्य रूप से समुद्री घास की सतहों पर पनपते हैं। इन डुगोंगों के संरक्षण से समुद्री घास के सतहों की रक्षा और सुधार करने में मदद मिलेगी, जो कई मछलियों और समुद्री जीवों के प्रजनन और भोजन के मैदान भी हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। स्पर्श कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय ने BOB और HDFC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 17 लाख रक्षा पेंशन भोगियों को कवर करने के उद्देश्य से स्पर्श पेंशन प्रशासन पहल के लिए प्रणाली के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कुल 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में 17 लाख पेंशन भोगियों को इस महीने के अंत तक स्पर्श से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि शेष पेंशनरों को जल्द से जल्द लाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय नौसेना ने वाइजाग में 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार और निपुण लॉन्च किए। भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में 2 स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स DSVS निस्तार और निपुण को लॉन्च किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित जहाजों को कला हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख एडमिरल R. हरि कुमार की उपस्थिति में लॉन्च किया, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। ये जहाज आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म है, जो लंबे समय तक समुद्र में काम कर सकते हैं। लॉन्चिंग समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
आइए बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। केरल के अस्पताल में किया गया भारत का पहला सफल फुल आर्म ट्रांसप्लांट। केरल के एक निजी अस्पताल ने भारत का पहला कंधे स्तर फुल आर्म ट्रांसप्लांट करके एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। दो मरीज, एक कर्नाटक से और दूसरा इराक से, जिनके दोनों हाथ बिजली के झटके के कारण खो गए थे, कोच्चि के अमृता अस्पताल में सफलतापूर्वक द्विपक्षीय हाथ प्रत्यारोपण किया गया है। केरल में घातक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए दानदाताओं के अंगों को काटा गया। डॉक्टरों के अनुसार कंधे के स्तर के फुल आर्म ट्रांसप्लांट काफी दुर्लभ हैं। वास्तव में यह दुनिया में केवल तीसरी ऐसी सर्जरी है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। एम वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी के चुनिंदा भाषणों पर एक किताब का विमोचन किया। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संग्रह जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स मई 2019-मई 2020 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पुस्तक विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री के 86 भाषणों पर केंद्रित है। पुस्तक एक न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो आत्मनिर्भर और लचीला है। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भारतीय लेखिका और कवयित्री मीना कंडासामी ने जर्मन पेन पुरस्कार जीता। भारतीय लेखिका और कवयित्री मीना कंडासामी को जर्मनी के डार्मस्टाट में पेन सेंटर द्वारा इस वर्ष के हरमन केस्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। जर्मन पेन सेंटर के उपाध्यक्ष कॉर्नेलिया जेट्शे ने कंडासामी को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए, स्वतंत्र शब्द के लिए और भारत में भूमिहीन अल्पसंख्यकों और दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ एक निडर सेनानी के रूप में वर्णित किया। उनके उपन्यासों को फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस पुरस्कार, झलक पुरस्कार और हिंदू लिट पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। 5 दक्षिण एशियाई देशों द्वारा गठित पाम ऑयल अलायंस। एशिया के 5 प्रमुख पाम तेल आयातक देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने स्थायी कृषि के विशेषज्ञ सॉलिडारिडाड नेटवर्क के कहने पर एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA बनाने के लिए एक साथ आए हैं। APOA को 21 सितंबर को आगरा में ग्लोबल शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। गठबंधन की पहली आम सभा की बैठक में अडानी विल्मर लिमिटेड के निदेशक और SEA के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। REC लिमिटेड महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली 12वीं कंपनी बनी। REC लिमिटेड को एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसका आदेश वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया था। 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। कंपनी में एक बयान में कहा गया है कि REC को महारत्न का दर्जा देने से कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय फैसले लेने के लिए और अधिक अधिकार मिल जाएंगे।
तो हमारे इस डेली अपडेट के साथ हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 1 अक्टूबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।